हेलो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रिक ओपन फिटिंग व अंडरग्राउंड फिटिंग में काम आने वाले स्क्रू के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। गौर से देखिए, सुनिए, समझिए और उसके बाद आपका किसी प्रकार का सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको ओपन फिटिंग में काम आने वाले स्क्रू के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इसमें सबसे पहले 3 इंची स्क्रू आता है, जिसको 75-10 नंबर का स्क्रू बोलते हैं। दोस्तों, ये स्क्रू लकड़ी के बोर्ड को फिटिंग करने के काम में आता है। दोस्तों, इसके बाद 2.5 इंची स्क्रू आता है, इसको 60-10 नंबर का स्क्रू बोलते हैं। दोस्तों, इसका उपयोग होल्डर व सीलिंग रोज के लिए जो लकड़ी का सनमाइका बोर्ड आता है उसको फिटिंग करने के काम आता है। इसके बाद 1.5 इंची स्क्रू, जिसका नंबर 35-8 है, उसका उपयोग पीवीसी की केसिंग केपिंग, जिसको टन फंटी बोलते हैं, उसकी फिटिंग करने के काम। दोस्तों, इसके बाद आता है वाशर। ये दोस्तों किसी भी स्क्रू में काम ले सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद 1.5 इंची स्क्रू आता है, जिसको होल्डर व सीलिंग रोज को कसने के काम में लेते हैं। फिर इसके बाद 1/2 इंची स्क्रू आता है, जिसको सीट कसने के काम में लेते हैं। दोस्तों, मैं खुद एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं आप लोगों को कोई गलत नॉलेज नहीं दूंगा, सारी नॉलेज 100% सही मिलेगी आपको इस चैनल पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको अंडरग्राउंड में काम आने वाले स्क्रूओं के बारे में बताता हूँ। इसको दोस्तों मशीनी स्क्रू बोलते हैं, जिसमें 3 इंची व 4 इंची जो स्क्रू होता है उसका उपयोग फैन सीट कसने के काम में लेते हैं। जिसके बाद 2.5 इंची स्क्रू, 2 इंची स्क्रू, 1.5 इंची स्क्रू और 1 इंची स्क्रू आते हैं, जिनका उपयोग होल्डर, सीलिंग रोज व राउंड सीट को कसने के काम में लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद काले या ब्लैक कलर के स्क्रू आते हैं, जिसमें 3 इंची स्क्रू, 2.5 इंची स्क्रू, 2 इंची स्क्रू और 1.5 इंची स्क्रू और 1 इंची स्क्रू आते हैं, जिनका उपयोग अंडरग्राउंड की फिटिंग में बॉक्स में सीट को कसने के काम में लेते हैं। इसमें बॉक्स की गहराई के हिसाब से स्क्रूओं को काम में लेते हैं। इलेक्ट्रिक फिटिंग में काम 100% इन स्क्रूओं से ही काम होता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। चलो दोस्तों, आपको अगले वीडियो पर मिलते हैं। धन्यवाद।